नमस्कार, अंतिम बाजी में आपका स्वागत है। दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं मिहिर भट्ट, मेरे साथ मेरे सहयोगी वीरेंद्र हैं। और बाजार में सेलिंग प्रेशर आज भी बरकरार है। 40 पॉइंट नीचे निफ्टी इस समय ट्रेड कर रहा है। 7069 का लेवल इस समय निफ्टी पर देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स में भी गिरावट का ही रुझान इस समय देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स इस समय 164 पॉइंट नीचे 23,250 के नीचे ट्रेड करते हुए, ये जो सेलिंग प्रेशर परसिस्ट हुआ है इसमें बैंकिंग स्टॉक्स, फार्मा स्टॉक्स, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिस पर काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। और अक्रॉस द बोर्ड सारे इंडाइसिस में नुकसान है, लेकिन सुबह से अब तक ट्रेड में क्या हुआ है ये सबसे पहले देखते हैं। बताइए वीरे। बिल्कुल मेरे, अगर आप देखें जिस लेवल को हमने कल तोड़ा था 3100 को, उसको डिसाइसिवली आज एक बार फिर से वॉलेट किया, यानी कल का सेलिंग प्रेशर आज भी एग्जॉस्ट नहीं हो पाया। और आज भी अगर आप देखें तो हमने ऑलमोस्ट 3100 के नीचे एक ओपनिंग दी, उसके बाद कैपिटलाइज करते हुए 7050, 7040, 7030 ये वो थोड़ा लेवल था, क्योंकि देखिए 7000 के पुट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग आउटस्टैंडिंग वाई खड़ा है, तो उसने रिस्पेक्ट दी है। उस स्टैटिस्टिक्स ने अगर आप देखें रिस्पेक्ट दी है, और 7000 को हमने शायद एक बेस बना के वहां से पुल बैक लेने की कोशिश की। और अगर आज का ये पुल बैक सक्सीड हो सकता है तो आप ये कह सकते हैं कि आज और कल का सेशन हम शायद 7050 और माइट बी 7200 के आसपास गुजार सकें। दिग्गज फार्मा शेयरों में आज भी दबाव है, और इनफैक्ट फार्मा स्पेस में जो ऑलमोस्ट आप देखिए रोज बरोज एक नया स्टॉक निकल के आता है जिस पर प्रेशर होता है, सेलिंग प्रेशर चेक, कभी सन फार्मा हो गया, कभी डॉक्टर एडीज हो गया, कभी अरविंदो फार्मा हो गया। आज कुछ नए स्टॉक्स आए सामने और पूरे अगर आप देखिए फार्मा स्पेस पे खास दबाव। आगे बढ़ते हैं, अगर आप देखें फार्मा क्षेत्र के बाद मेटल अपस्ट्रीम कंपनियों के शेयरों में आज जोरदार गिरावट है। स्पेशली अगर आप देखें ONGC, वेदांता, सेसा स्टार, ये आई थिंक इनफैक्ट टाटा स्टील, इन सभी काउंटर्स में काफ़ी गिरावट थी। उसके बाद इस अगर आप स्पेस को छोड़ें तो उसके बाद चीनी शेयरों में इनफैक्ट शुगर प्राइसिंग को लेकर और साथ ही साथ महाराष्ट्र सरकार के उस स्टेक को लेकर आई थिंक एक सुख बुगाहट, बाइंग वॉल्यूम्स हायर लेवल्स पर सस्टेन करने की टेंडेंसी जो थी वो शुगर काउंटर्स में विजिबल थी। शुगर एक स्ट्रांग मूव दे रहा है। उसके बाद मिड कैप IT शेयरों में आज जमकर शॉपिंग हो रही है। स्पेशली अगर आप देखें आज सुबह शुरुआती एक घंटे में जो बाइंग मोमेंटम दिखा था हमें वो अंतिम दौर तक कंटिन्यू कर रहा है। लेकिन सबसे क्रिटिकल पॉइंट में ही आई थिंक जो रहेगा वो है 7050 को आज एटलीस्ट सिक्योर करके ले जाना। जी हाँ बिल्कुल, और यही लिटमस टेस्ट होगा, बिकॉज बजट से पहले कल भी हमने देखा था मार्केट में जो नर्वसनेस थी, ऑब्वियसली जो सेटलमेंट है उसका भी कंसर्न है। लेकिन इन सब के बीच जिन स्टॉक्स पर हम बातचीत करेंगे उन पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। आज हम BPCL पर बातचीत करेंगे, ये करीब 4% ऊपर है। साथ ही रेलकॉम 3.5% ऊपर, IDBI बैंक पर अच्छा मूव देखने को मिल रहा है, पावर ग्रिड और एक्साइड ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं जिस पर अच्छा रुझान देखने को मिला है। और कुछ स्टॉक्स में अजंता फार्मा है, डीवीज लैब, वेंकी हैचरीज और साथ ही RS सॉफ्टवेयर, धामपुर शुगर, ये कुछ अन्य काउंटर्स हैं। शुगर का पूरा स्पेस इनफैक्ट आज फोकस में रहेगा, और जो खबर आई है जी बिजनेस के जो खबर उसके बाद कुछ और स्टॉक्स भी हैं वीरेंद्र। जी हाँ, जिन पे मैं बातचीत करूँगा उसमें आप देखें KPIT टेक्नोलॉजीज, NIT टेक्नोलॉजीज, श्रीनगर शुगर्स, GMR इन्फ्रा टूर एंड पावर, ये कुछ और स्टॉक्स जहाँ पर इस वक्त अगर आप देखें अच्छा खासा मूव देखने को मिल रहा है। निफ्टी को देखते हैं एक बार, निफ्टी एग्जैक्टली किस ट्रैजेक्टरी में, और आप फिर हमारे मेहमानों से बात करते हैं आज के। इस वक्त अगर आप देखें निफ्टी ऑलमोस्ट जिस ट्रेजेक्ट्री को रिस्पेक्ट दे रहा है, जहाँ पे अगर आप देखें टिक रहा है वो है 7040, 7030। अनुज दीक्षित हमारे साथ हैं बात करने के लिए। अनुज गुड आफ्टरनून। अनुज, अब इस लेवल पे 7050 पे आप क्या कर रहे हैं, क्लाइंट्स को राय क्या दिया आपने? देखिए वीरेंद्र, जिस तरीके से हमने कल के बाज़ार में देखा कि 7240, 7250 के जो लेवल्स थे वो निगोशिएट नहीं कर पाया बाज़ार, और वहाँ से फिर से हमने एक बिकवाली का दबाव देखा, तो मेरे ख्याल से आने वाले समय में और भी बिकवाली देखने को मिल सकती है। हालांकि कल एक्सपायरी है, तो एक जिस तरीके की ओपन इंटरेस्ट की पोजिशन खड़ी हुई हैं, शायद से 7000 नीचे में और ऊपर में 7150 की जो रेंज है वो एक इस रेंज में बाज़ार एक दो दिन के लिए टिका हुआ दिखे। लेकिन जिस तरीके के ब्रेक डाउन और 7250 के जो इमीडिएट रेजिस्टेंस थे वहां से सेलिंग आई है, मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में और भी सेलिंग बढ़ सकती है। और अगर हम 7030 के नीचे फिसलते हैं तो जो अभी रिसेंट लोज बने थे 6900 के नीचे के, वो भी थ्रेट में होंगे, और ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में वो भी ब्रेकडाउन देखने को मिल जाए। तो अभी जो माहौल है वो पूरी तरीके से वीकनेस का ही है। इसमें स्ट्रेंथ तभी दिखेगी माहौल में जब हम 7150 के ऊपर निगोशिएट कर जाएंगे। जब तक उन लेवल्स के नीचे हम ट्रेड कर रहे हैं तब तक वीकनेस का ही माहौल है।
जी हाँ बिल्कुल, और इनफैक्ट ये जो वीकनेस का माहौल है, अब एक चीज ऑलमोस्ट सर्टन है कि मार्केट ही अनुमान लगाकर चल रहा है कि कहीं ना कहीं जो एक्सपायरी है वो 7100 के नीचे एंड क्लोज टू 7050 के आसपास हो सकती है, इसकी आशंका बनी हुई है। दूसरा एक्सपायरी होने वाली है उस दिन जिस दिन रेल बजट पेश होने वाला है। पिछले साल आपको याद होगा कि रेल बजट के दिन इनफैक्ट मार्केट को लगा था कि ये प्रोग्रेसिव बजट है और इसी से एक अनुमान लेने की कोशिश उन्होंने मेन बजट के लिए भी की थी, लेकिन इस बार थोड़ा डाइवर्जेंस है। तो मार्केट को ये तो लग रहा है, आश्वस्त है मार्केट कि रेल बजट पॉपुलिस्ट नहीं होगा, लेकिन क्या यूनियन बजट पॉपुलिस्ट होगा या फिर प्रोग्रेसिव, इसे लेकर बटा हुआ है बाजार, वो जो कि मार्केट की नर्वसनेस में रिफ्लेक्ट कर भी रहा है। आज यूरोपियन मार्केट्स ओपन हुए उसके बाद भी हमने देखा कि जो बैंकिंग स्टॉक्स है उसमें बिकवाली बढ़ी है, आज एनबीए पर रिपोर्ट भी पेश होने वाला है, लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स पर जो मूव है उस पर अमित मैं आपकी राय चाहूंगा। देर आर फ्यू स्टॉक्स जैसे आईडीबीआई बैंक, देखिए इसने आज भी अच्छा मूव दिया है, इस तरह के जो स्टॉक्स हैं उस पर आप अभी ट्रेड लेना चाहेंगे या फिर बजट के बाद? मिहिर, आई थिंक अगर हम पीएसयू बैंक्स की अगर बात करें तो तीन बैंक्स हैं जहां पर इस टाइम जो पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस है वो टेक्निकली ऑन द वे अप लग रहा है एंड नॉट ऑन द वे डाउन, एंड दोज थ्री स्टॉक्स आर आईडीबीआई बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आई थिंक ये तीन स्टॉक्स जो हैं इन द पीएसयू बैंकिंग स्पेस थोड़े से स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स इमर्ज होके आए हैं। एक मार्केट में ऐसा आंकलन लगाया जा रहा है कि एक तो इन बैंक्स में जो है अधिकतर जो प्रॉब्लम है वो बाहर आ चुकी है और जो दबी हुई प्रॉब्लम है वो उतनी ज़्यादा सीरियस नहीं है जितनी कि ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुकी है, और दूसरा ओवरऑल साइज ऑफ द प्रॉब्लम इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टोटल एसेट्स ऑफ द बैंक इज स्टिल अंडर कंट्रोल। तो ये देखते हुए आई थिंक इन तीन स्टॉक्स में टेक्निकली जो है हम बीच बीच में स्ट्रेंथ के कुछ सिग्नल्स देख रहे हैं, और ये हो सकता है कि बजट के बाद अगर मार्केट कॉन्ट्रा ट्रेंड एक रैली दे तो उसमें ये तीन स्टॉक्स जो हैं टेक्निकली लीड कर सकते हैं उस रैली को, मगर ओवरऑल बैंकिंग स्पेस पे हमारा व्यू बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है। इनफैक्ट हमने कल ही अपना एक लेटेस्ट न्यूज़लेटर इशू किया है जिसमें हमने लिखा है कि ग्लोबली जो है बैंकिंग सेक्टर इज हेडेड फॉर अ बिग डाउनफॉल एंड प्राइवेट बैंक्स PSU banks all are headed for great amount of trouble over the next 1 to 2 years. तो वो उस चीज़ को देखते हुए मैं यहाँ पर कोई bullishness के indicators तो नहीं दूंगा किसी भी bank पे, मगर हाँ ये बात ज़रूर है कि अगर आप pair strategy करते हैं तो probably ये तीन banks को आप खरीद सकते हैं और आप किसी अन्य bank को like maybe Axis Bank और maybe Yes Bank, आप जो थोड़े से जिनमें डैमेज कोलैटरल डैमेज कम हुआ है आप उनको सेल कर सकते हैं एज अ हेज मेंटेन करने के लिए, बट ओवरऑल हमारा व्यू ऑन द बैंकिंग सेक्टर इज वेरी पेसिमिस्टिक ओवर द नेक्स्ट 2 इयर्स। जी।